ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी जो ट्रायंगल है इसको अगर आप अलग से बना के देखोगे तो क्या होगा, आपको थीटा दिखेगा, ये रहा थीटा, ठीक है, ये होगा कोस थीटा, किसका, ए बी का, ठीक है, ए से बी दूरी अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या होगा, ए बी कोस थीटा, तो ये जो नीचे वाली दूरी है ये ए बी कोस थीटा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं डी, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, ये भी आपको पता है क्योंकि एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो डी के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट तो डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल वो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम टी, ठीक है, अब वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, टाइम टी आपको दे रखा है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी, ऐसा कर लो। अब देखो डी के बराबर यही है, अब मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लूं, अगर किसके अलोंग, एसी के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो क्या है, वेलोसिटी यू है एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी का कोस 60 कंपोनेंट, यानी कि यू कोस 60 डिग्री होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो ये जो इधर वेलोसिटी का आएगा वो आएगा यू कोस 60 डिग्री, तो ये वी की जगह मैं यू कोस 60 डिग्री रख रहा हूँ, और इनटू टी ये कर दूं, ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो डी के बराबर ही हुआ यू कोस 60 डिग्री इंटू टी, और डी के बराबर ही हुआ ए बी कोस ये वाला थीटा था इसमें 30, तो ए बी कोस 30 डिग्री, ए बी कोस 30 डिग्री इक्वल टू यू कोस 60 इंटू टी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ए बी कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू यू कोस 60 डिग्री इंटू टी, ये आपका हुआ, तो अब देख लो बस ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी इज इक्वल टू यू कोस 60 डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री इंटू टाइम टी, तो अब देख लो यू कोस यू टी इंटू कोस 60 डिग्री क्या होगा, कोस 60 इज इक्वल टू 1/2, टू तो यू टी डिवाइडेड बाय टू, ऊपर तो ये आ गया और नीचे आया कोस 30 √3/2, अपॉन टू रूट तो ऐसा थ्री बन बाई जाएगा यू टी बाय टू और ऊपर टू और नीचे √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर यू टी डिवाइडेड बाय √3 कुछ ऐसा आएगा, ऑप्शन शायद ए, हाँ यू टी डिवाइडेड बाय √3। आपने क्या किया, आपने डी है ना जो ये कॉमन बेस, इसकी दो अलग अलग टर्म्स में वैल्यू निकाल ली, एक बार वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल ली और एक बार ए बी जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट था लॉन्ग ए बी, इसके टर्म्स में क्या किया, कोस कंपोनेंट आ रहा था एक बार 30 के साथ एक बार 60 के साथ, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, डिस वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आल्सो डिस्प्लेसमेंट कोसाइन कंपोनेंट इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों को इक्वेट करने से आपका कट पिट के जो आंसर आएगा यू टी डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, अब ये आ गया समझ, यस देखो अब ये सर ऐड हो जाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन जो यहाँ लिखा है उससे कुछ समझ आने वाला नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, इधर कंफ्यूज हो जाओगे कि किया क्या, ठीक है इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ मैं लिखा हुआ को। अब नया टॉपिक है, नया नहीं है उसका जस्ट अपोजिट है, हम क्या कर रहे थे अभी तक, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, अब इसके अपोजिट होगा, आप टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल, बस ये एक लास्ट टॉपिक है ये और देखेंगे, इसमें क्या होगा, कोई नई चीज नहीं आएगी, केवल और केवल इनिशियल कंडीशंस चेंज होंगे, देखो उन्हीं को लिख लेते हैं, ये वेलोसिटी है जी यू वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, ये थीटा थीटा ही रहा, तो देखो इसको अब ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा आपका, ये हाइपोटेन्यूज है, ये अलोंग एक्स एक्सिस आएगा यानी नेगेटिव एक्स, और अच्छा इसको एक्स को भी मैंने इधर ले लिया है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स अब इधर डायरेक्शन है ऐसे नीचे की तरफ वाली पॉजिटिव है, और वाई जो है वाई तो वर्टिकली अब यही पॉजिटिव है, अब देखो क्या करेंगे, आपको वेलोसिटी यू है ठीक है और ये थीटा है, अब ये हुआ यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो गए, तो यू साइन थीटा एंड यू कोस थीटा वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसका अल्फा क्या है, अगर ये अल्फा है तो देखो ये भी अल्फा होगा कोरेस्पोंडिंग एंगल से, तो आप इस ट्रायंगल के हिसाब से इसको रिजोल्व कर दो, एक तो वर्टिकल एक तो नेगेटिव वाई एक्सिस में दैट इज जी कोस अल्फा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दैट इज जी
साइन अल्फा, ठीक है। इनको साइन के साथ बस इनिशियल कंडीशंस में ले लोगे और बाकी फॉर्मूला वही, इनिशियल वेलोसिटी यू कोस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने एक्स की ये ले ली। अब इधर नीचे गिरती हुई डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियल, तो यू कोस थीटा। वाई डायरेक्शन में है यू साइन थीटा, साइन थीटा कंपोनेंट। एक्सेलरेशन इन एक्स इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये था, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज जी साइन अल्फा। और ए वाई जी कोस अल्फा, बट नेगेटिव वाई में, वाई तो ऊपर है और ये नेगेटिव वाई है, तो इस डायरेक्शन में तो माइनस साइन के साथ आ गया। ये चार इनिशियल कंडीशन लिखो, वही इक्वेशन है, वाई एक्सिस में लगाओगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टी को लिख दो टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर पूरे पूरे फ्लाइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ से लेके और जब तक ये गिर ना जाए बॉटम पे, तो उस पूरे टाइम को टी ले लेंगे। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। एस वाई जीरो लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, हम लोग वाई में इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वाई डायरेक्शन जो है उसमें देखो इनिशियल पॉइंट यानी टॉप मोस्ट ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, वहां से स्टार्ट हुआ मेरा प्रोजेक्टाइल। इस पॉइंट पे जो मेरा वाई की वैल्यू है वो है जीरो, और इस पॉइंट पे गिरने के बाद भी वाई की वैल्यू जीरो है। अब ऐसा क्यों है? देखो वाई वाई मेरा वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन तो यही है, बट वाई मेरा एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द वर्टिकल है, ऐसे है। तो देखो इधर ये जीरो था वाई, इधर जीरो था। अब और ये ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, तो कुछ बच्चे ऐसे सोच लो कि एक्स जो है, एक्स एक्सिस ये है ऐसा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए वाई शुरू में भी जीरो था बाद में भी था, इसीलिए आपने क्या किया, आपने एस वाई इक्वल टू जीरो ले लिया और इक्वेशन वही यूज करी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। जो इनिशियल कंडीशन में यू वाई था वो यहाँ पे यू वाई पुट कर दिया, जो इनिशियल में ए वाई था वो ए वाई पुट कर दिया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिला टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, ठीक है। ये सेम है जैसा बॉटम टू टॉप में था, वही है ये टॉप टू बॉटम में, ठीक है। पता नहीं यार क्या होता है, मैं पहने से घुमाता हूँ तो ये अपने आप चेंज हो जाता है शायद, ठीक है। तो टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मिल गई। सिमिलरली आप दो इक्वेशन और यूज करोगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू एस, सेम फॉर्मूला यार, फंडा सेम ही चल रहा है। एक बार वाई एक्सिस में पहली इक्वेशन फिर दूसरी इक्वेशन, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसे क्या मिलने वाला है बताओ? एच मैक्स, पहले हाइट थी क्योंकि वर्टिकल में बात करें या वाई डायरेक्शन में बात करें, तो वाई मैक्स यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी कोस अल्फा, सेम फॉर्मूला है, चाहे बॉटम टू टॉप हो चाहे टॉप टू बॉटम। आ गया दोबारा से, अब एक्स में इस्तेमाल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा रेंज के लिए फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो कर लेना आप, वैसे उसमें फॉर्मूला वही आएगा जो पहले था, ठीक है। तो अब एक काम करो, फॉर्मूले सेम है, बस ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए थे उसमें, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट कर लो एक बार, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। फॉर्मूला चाहे तो मैं लिख दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। वट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट द बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप। वी की मिनिमम वैल्यू बता दो ताकि ये गिरे तो चौथी सीढ़ी, ऊपर से चौथी सीढ़ी पे आके गिरे। हर एक स्टेप की हाइट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे इसमें फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा भी कर सकते हो आप। वेलोसिटी वी दे रखा है आपको, ये वेलोसिटी क्या दिया है, ये वेलोसिटी दिया आपको हॉरिजॉन्टल में, ये वेलोसिटी आपको हॉरिजॉन्टल में दे दिया है। अब आपको इस वी की तो वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको कितना चलना पड़ेगा इस वी से, ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, बस ये ध्यान रख लो, ग्रेविटी इज इन द माइनस जी, तो माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो अलोंग दिस वी, इस वी के अलोंग कोई भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, बस ये ध्यान रखो। पच्चीस सेंटीमीटर लेंथ है एक स्टेप की, यानी ये दूरी है 25 सेंटीमीटर। हाइट जो है सबसिक्वेंट स्टेप्स की वो है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और लंबाई 25 सेंटीमीटर।
गिरना कहाँ पे है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी वी, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी, ठीक है, सो दैट बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप, टॉप से चौथे सीढ़ी पे आके गिरे, टॉप से चौथे सीढ़ी के ऊपर आके गिरे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको कितना चलना होगा, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना करना होगा, 25, फिर से 25, फिर से 25, और फिर से 25, फिर से नहीं 25, बस इतना ही चलना होगा तब गिर जाएगी यहाँ पे आके। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू समथिंग, वो निकाल लो, फिर वाई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, जीरो, क्योंकि केवल और केवल वेलोसिटी कंपोनेंट इधर है हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट साइड में है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपकी जीरो है, ठीक है, टाइम भी जीरो है, टाइम जीरो पे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, वाई डायरेक्शन में लगा लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हिंट है, इसको यूज करके आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो वैल्यू ऑफ वी। अच्छा वाई में कितना डिस्प्लेस करेगा वो भी गिन लो, एक, ये 20 गिरा नीचे, फिर ये 20, फिर यहां से लेके यहां तक ये फिर से 20, फिर इस लेवल से लेके इस लेवल तक आने में फिर से 20, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि एस वाई इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ डालो, फिर कुछ वैल्यू आएगी, क्या नॉन बच गया, यू तो जीरो था, यू वाई तो ये 0.0 हो गया, आपको इससे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएंगे आपको, एक्सेलरेशन तो पता ही है माइनस जी के बराबर है, टाइम मिल जाएगा, देखो तो इस इक्वेशन से आपको टाइम मिल जाएगा एस वाली इक्वेशन से, फिर टाइम को कहाँ लगाओगे, टाइम को लगा लो एक्स वाई में, तो फिर आपको जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है आर इज इक्वल टू यू एक्स टी होता है, तो ये टी आपको वाई वाली इक्वेशन से मिलेगा, फिर आप यू एक्स निकाल पाओगे जो वी की वैल्यू है, ट्राई करो, हिंट वाई काफी दे दिया, 6 बच्चों ने आंसर भी निकाल लिए, जिनको थोड़ा थोड़ा धुआं लग गया होगा विषय का कर सकते हो। डीजे सुनाई दे रहा है तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा, रोज आ जाते हैं डीजे लेके, मेरे घर के पास ना एक मंदिर है तो यहाँ पे आते हैं लोग मंदिर में पूजा करने, और डीजे लेके कौन आता है भाई, शादियों के सीजन में रोज यही है यार। वन पॉइंट समथिंग, 1.8 समथिंग आएगा शायद, आया किसी का 1.875 मीटर पर सेकंड। 1.8, हाँ 1.875 किसका आया, वेलोसिटी वी की वैल्यू मेरे 1.875 मीटर पर यूनिट क्या सेकंड आएगा, यूनिट सेंटीमीटर आएगा शायद, है नहीं, मीटर मीटर, पर मीटर पर सेकंड सेकंड, 80, 187 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, और अदरवाइज 1.875 मीटर पर सेकंड, ठीक है, चलो अब एक बार देख लेते हैं फटाफट इसको दोबारा से सारी कहानी एकदम सलीके से, ताकि जिन बच्चों को हिंट देने के बाद भी समझ नहीं आया वो कर पाए। देखो भाई करना क्या है, ये बॉल दिख रही है सबको, ये बॉल को लुढ़कते लुढ़कते नहीं, उछलते हुए एक बार एक छलांग में इसको पहुंचना है फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेयर, फोर्थ स्टेयर कौन सी है, दो डिस्प्ले के, हाँ फोर्थ स्टेयर पे जाना है, तो फोर्थ स्टेयर कौन सी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इसको उछल के जो है ना इधर आना है, ठीक है, ऐसे, तो ऐसा करने के लिए एक वेलोसिटी वी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन है ही। अब देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, इस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल तक आने में हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ? आपको एक स्टेप की हाइट, एक सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो जब मैं नीचे आ रहा हूं तो 1 2 3 4 बार आऊंगा नीचे, तो 4 × 20, तो ये मेरा हुआ 80 सेंटीमीटर हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। और एक सीढ़ी की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जब मैं जाऊंगा तो 1 2 और 3 स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो वो कितना हुआ 25 × 3, तो 75 सेंटीमीटर। अब आपको एक्स में मूव करना है 75 सेंटीमीटर और वाई में मूव करना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्लियर रखो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ये भी क्लियर रखो, और बाकी तो और कुछ दिया नहीं हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन एब्सेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ रेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ लाइट की, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या दे रखा है, ये वी के बराबर दिया हुआ है, फिगर से मुझे पता पड़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं टी ही रख लेता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या है 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर, ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब एक इक्वेशन लगाऊं वाई के अलोंग, वाई के अलोंग कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो एक्स एक्स के अलोंग एक्सेल वाई के अलोंग एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब ऐसे करेंगे वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू हाफ ए वाई टी, है ना। एस वाई क्या है 80 सेंटीमीटर, इसको 0.8 मीटर रख लू। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इधर तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है डाउनवर्ड में, तो ये 0 है, तो इसको 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई इज -g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आपको जी की वैल्यू अगर 10 रख लूं इसमें मैं क्वेश्चन में, तो क्या कर सकते हैं 0.08 इंटू टू, हाँ, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये आपको मिलेगा टी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें साइन की दिक्कत आएगी, साइन ये तो है -g ना, हाँ, तो हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट में माइनस लेना था क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा, इधर से माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड का, ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा। फिर आपको टी स्क्वायर की वैल्यू जो मिल रही है दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 5, 0.8 डिवाइडेड बाय 5, ये आपको मिला टी स्क्वायर के बराबर, और यहां से टी स्क्वायर निकालो तो वो आपको मिलेगा 0.75 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, 0.75 डिवाइडेड बाय v, इसका होल स्क्वायर आपको मिलेगा टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो खाली एक अननोन है जो v है, और उसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 1.875 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्स इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टी, टाइम टी के लिए चले, वी टी इक्वल टू ये इक्वेशन 1, सेकेंड यू टी था वो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बच गया ये एक्सेलरेशन की जी की वैल्यू रख लो 10, सोल्व करोगे ये इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सोल्व करो तो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 1.875 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये वाला सब पार्ट हमारा खत्म हो गया, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम लोग असाइनमेंट के जो क्वेश्चन थे वो कर लें या फिर नया स्टार्ट करते हैं, बताओ। अपने हिसाब से करा दूं? सर देखो स्टार्ट करने में एक नुकसान है, हमारे पास इतना टाइम तो है वैसे अभी, लेकिन तुम लोग भूल जाओगे मंडे तक सारा खेल,
इसमें कोई क्वेश्चन बचा था? एक बार देख लेते हैं, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो वो निपटा लेते हैं पहले, फिर टाइम बचा तो देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन बचा था हमारा? काफी बचे हुए हैं इसमें। द हॉरिजॉन्टल, ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 कर लो, 45 हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मोशन, सेकंड कर लो, थर्ड थर्ड किया था शायद हमने, ये तो कर चुके थे, फर्स्ट सेकंड कर लो, फटाफट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड बहुत इजी हैं, फिर फोर्थ कर लो, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखो हो भी गए कुछ बच्चों के, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम राइट एंगल प्रोजेक्शन, ये शायद करा था कि नहीं करता यार तुम्हारे बैच में, बता नहीं, बता पहले 3 करो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, ए बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ फायर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बुलेट व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, इज मैक्सिमम हाइट जब ये रीच कर जाएगी तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? अब इसमें रोल ही नहीं है, मैक्सिमम हाइट रहे चाहे इनिशियल पॉइंट रहे चाहे फाइनल पॉइंट रहे, वी नो कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। अब ये ग्राउंड टू ग्राउंड था, इसके अलावा कोई और भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता तो उसमें भी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस, तो वो क्या होता है, यू कोस थीटा के बराबर, थीटा इज 60 डिग्री, यू इज यू, तो यू कोस 60 डिग्री, कोस 60 क्या होता है, √3/2, तो ऑप्शन नंबर, कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, सॉरी यार, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो यू कोस 60 डिग्री कितना होगा, u/2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बुलेट इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रेंज ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट इज, रेंज का फॉर्मूला क्या था, u² sin 2 थीटा / g, जो हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था यार, आर इक्वल टू u² sin 2 थीटा / g, है नहीं, ना, तो इसमें वैल्यूज डाल दो, आर इज इक्वल टू u² यू क्या है 10, 10² sin 2 थीटा sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय g, g की वैल्यू 10 है, तो क्या आंसर आएगा 10 मीटर, कितने बच्चों का आया ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल थ्रोन बाय अ बॉय इज कोट बाय अनदर बॉय आफ्टर 2 सेकेंड्स, हु इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे एट सेम लेवल, सेम लेवल पे है कुछ डिस्टेंस अवे है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बता दो, है ना, ए टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया है 2 सेकेंड्स, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिया है 30 डिग्री, और एट सम डिस्टेंस तो रेंज नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, जी दे दिया है ना, तो निकल जाएगा आपका ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, टी इक्वल टू 2u sin थीटा / g, अगर ये फॉर्मूला लगा के ट्राई करो शायद उससे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही ऑप्शन टाइम दे रखा है बेटा, यू आपको निकालना है, थीटा और जी, हाँ हो जाएगा यार उससे भी हो जाएगा, टी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन ठीक जी, अब देखो थीटा दे दिया ठीक है, जी दे दिया, टाइम भी दे दिया, यू पूछा है, निकल जाएगा, एक ही अननोन बचा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इज इक्वल टू 2u, है ना, 2u, यू ही तो बताना है, मैं ढूंढ रहा हूँ यू को, 2u sin थीटा, साइन थीटा क्या है, sin 30 ना, 30 है, तो sin 30 क्या होगा, 1/2, डिवाइडेड बाय जी 9.8, तो भाई ये दो, ये 2 से 2 गया, 9.8 इंटू 2 कर दो, वो वेलोसिटी के बराबर 19.6, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लो फिर, अब इतना जल्दी हो गए तो हमारी बड़ी अच्छी बात है, 30 डिग्री देखो ये होते हैं लोग, चीता लोग, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4/√3 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, अरे ये कर लिया था शायद, r इक्वल टू 4/√3 h,
है ना, दोनों साइड फॉर्मूले लगा दो, दोनों साइड फॉर्मूले लगा दो। लेफ्ट साइड में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और राइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 जी, 4/√3 इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक है, अब क्या क्या उड़ा सकते हो दोनों साइड से, यू स्क्वेयर उड़ा दो, जी से जी उड़ा दो, साइन साइन थीटा भी उड़ा सकते हैं, रुको कैसे उड़ाएंगे, स्क्वेयर उड़ा दो इधर का और इसको काट के लिख दो 2 cos थीटा, ठीक है, और फिर सोल्व कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, कैसे आएगा, 2 ये उड़ेगा और ये बचेगा 2, ये 2 ये उड़ जाएगा, √3 बच गया, और ये √3 इधर आएगा और ये कोस इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा √3, हाँ सही आ रहा है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/√3, और फिर सोल्व करोगे तो थीटा विल बी 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हों तो, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, फिल्टर कितने पे चलते हैं, समरी ये हो गया था, पैराबोलिक पाथ ये झूठे मन से कर लिए थे हमने क्योंकि इनमें फॉर्मूलाज का यूज था, फिर ये समरी थी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, ओके।